Attends. के 5:40 हो चुका है, संडे का दिन है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, कोई ना कोई तो राइट होगी। और कल रात को मुझे थोड़ी सी भी नींद नहीं है, 1 बजे सोया और 4:30 बजे तक मैं यहाँ से वहाँ करवटें बदल रहा था। पता नहीं वो कार्विंग हो रही थी राइट की, वो एक्साइटमेंट थी राइट की। तकरीबन 2 महीने होने के लिए आ गया मैं राइट पर गया नहीं, गाँव से आने के बाद लंबी राइट हुई नहीं तो बहुत कार्विंग और थी, इसीलिए मुझे नींद ही नहीं आई। सब सोच रहा था कैसे होगा कैसे नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं, पर हो जाएगा सब कुछ ठीक, मुझे पता है। ऊपर वाले की दुआ है, आपका प्यार है, सब ठीक ठाक होगा। सो कसका पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज वैभव। और आज की राइड थोड़ी रिस्की होने वाली, जैसे पता है आपको गाइडलाइंस में थोड़े से डिफरेंस किया गया। कल मंडे है, कल से गाइडलाइन थोड़े स्ट्रिक्ट किए जाएंगे, 2 बजे के बाद सब बंद रहेगा। और मैं सबसे बड़ी बात जा रहा हूँ लोनावाला साइड, वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट ऑलवेज बंद है, तो मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ, देख लेते क्या होगा क्या नहीं। तो पहले निकलते जल्द से जल्द, अमित भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और तो इतिहास में पहली बार कुछ अलग होने के लिए जा रहा है, आज मैं बाइक लेके नहीं जा रहा, आज मैं पिलियन बन के जाऊँगा, अमित भाई के पीछे बैठने वाला हूँ। तो बहुत ही अलग सा माहौल रहेगा और बहुत कुछ अलग कैप्चर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिक्सर का सर्विसिंग हुआ नहीं। और सोचा कि आज पिलियन ही चले जाता है, आज कुछ अलग किया जाए, आज कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो लेट्स मीट ऑन बाइक, सब कुछ रेडी है, बस निकलने की देरी है, मिलता है सीधा बाइक के ऊपर। तो निकल चुकी है सवारी हमारी, ये मिस्टर आतिश, मिस्टर आत्तू, इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा सामने। और ये मिस्टर अमित बेनेली वाले, इंटरव्यू देना ज़रूरी नहीं लगता, ऑलरेडी मीटअप हो चुका है सबका। मिस्टर द्रोण वैभव, जो पीछे बैठने में मज़ा है उसे तो चलने में आता ही है, वो अलग बात है। ओहो, टोटली नाकाबंदी है वाशी से आते वक्त, एकदम आलू 100 ठीक है ना, 100 क्या 170। तो चलो अब मौका आ गया हमारा चलाने का, अब पता नहीं कि कैसा व्यू आता रहेगा। द थिंग इज मैंने सेट नहीं किया था इसके मुताबिक, तो जैसा भी व्यू आता रहेगा थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना। और लेट्स मूव अहेड, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा क्योंकि अचानक से अब तक कॉन्फिडेंस आया नहीं है, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो भगाने में मज़ा आएगा। तो कॉन्फिडेंस गेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, एक 10 से 15 मिनट जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि उसके बगैर गाड़ी भगाना नहीं चाहिए। अब लिटिल बिट कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है मेरा, मज़ा आ रहा है। Z800 का आवाज़ था, ये तो स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट। और ये आ रहा है स्पोर्ट्स बाइक ड्यूकाटी, वाह अब माहौल लग रहा है। सुबह से लेके ये गोल्ड विंग, जब कोई बाइकर जाता ना तब हम उंगली दिखाते हैं, थंब दिखाते हैं, तो सामने से वो रिस्पॉन्स करना लाजमी है, वो करेगा ही करेगा रिस्पॉन्स, बिकॉज इट इज़ अ बाइकर रूट। क्लाइमेट ऊपर जाके बहुत तूफानी मिलने वाला है, क्योंकि बस विद इन हाफ एन आवर अब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओहो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया है, और यहाँ से शुरू होगा घाट, और घाट में बाइक चलाने का मज़ा ही बहुत अलग है। और घाट का जो वीडियो लेने वाला हो वो पूरा रॉ रहेगा, पूरा रॉ रहेगा,
घाट का वीडियो। अब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा प्रॉपरली, अब लेन डाउन करने के लिए, ब्रेकिंग के लिए, अब उस पहाड़ में जाना है। हम ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर जाने का मंजर और जो रोड है, वाह वाह क्या ही बताए। बीच रास्ते में गंदगी कर दी है भाई साहब, यहाँ से आराम से लेके जाऊंगा और पूरा नज़ारा दूंगा आपको। भाई साहब क्या नज़ारा है सच में, बस पूरा मन चिल्ड आउट हो गया, पूरा बदन चिल्ड आउट हो गया और बस यही थम जाने का मन करता है। इस मौसम में यहाँ पर आना मतलब जन्नत, कोई जन्नत से कम नहीं है। ओहो ऐसा खुन्नस आता ना इन लोगों को पे, सच में इतना खुन्नस आता है इन लोगों के ऊपर, बीच रास्ते में देखेंगे नहीं कहीं पर भी थूक देंगे। ऐसे सांपों को ना जंगल में छोड़ना चाहिए सच में। अच्छा हे का झालंय, क्लच का झालंय, थांबला साईडला घेऊ दे। भाई साहब हो गई दुर्घटना, आराम से आराम से। ए लागले था ना शेल, वन साइड गेली काय, इसका क्या करने का। कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, इकडे आहेत रे शेट मैन शेट। अब ऐसी कुछ दुर्घटना हो गई है, आपने सुना ही रहेगा, मैंने बताया नहीं आपको। मैंने लिखा क्लच केबल टूट गया,
इसके आगे आपको क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्ट गिव मी सम सेकंड, आई विल बी राइट बैक, बताता हूँ आपको सब कुछ। थोड़ा टाइम दे दीजिए। तुझे अंगा और क्या अंगा बैठे हो आसन को डायरेक्ट सरल करना पड़े, सरल कर। अरे काय कर दो काय माहिती, थाम ना जरा, एक मिनट थाम, ये साइड लगे आ रहा है। इकड़े गए, इकड़े गए, साइड लगे हाथ मत गए के पुड़े पुड़े के पुड़े के थोड़ी पुड़े के अजून गियर मत टाक, गियर पहला पुड़े तक गए राणा राणा अल्पक मागे नहीं ना 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 हो भाई साहब। अब इसके आगे का कुछ नहीं पता। तो पीछे मौसम भी हो गया बारिश का, पूरे बादल काले हो चुके हैं और बस यही दुआ करता हूँ कि बारिश आने से पहले हमें सेफ जगह पे पहुँच जाए, वहाँ से भीगना ना पड़ेगा। अगर भीग गए तो पूरा हालत बेहाल हो जाएगा, तो फॉर गॉड सेक बस जल्द से जल्द हो जाए। तो ये वीडियो यहीं पे करता है एंड, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है कि आगे क्या होने वाला है बेनेली का, हम क्या करने वाले हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। तो आगे आपको अगले वीडियो में समझ में आ ही जाएगा। तो करते वीडियो एंड, तो अभी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आया रहेगा तो ही सब्सक्राइब करना, अगर नहीं करना है तो ठीक है, पर लाइक ठोके बगैर जाना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पहले गाड़ी जाने दो। तो आज सला भी सब है, लीव योर लाइफ, लीव योर ड्रीम। 150 160, ओ भाई साहब 170, क्या ही बताए भाई साहब। What a Porsche man.